इस वीडियो में हम शॉर्टकट्स की देखेंगे। आप एक्सेल में शॉर्टकट की किस तरीके से, आज हम कुछ शॉर्टकट्स की के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा है और आपको कुछ सेलेक्ट करना है, जैसे कि मेरे को यहाँ से, जैसे यहाँ से लेके और यहाँ तक को ही सिलेक्ट करना है, या तो यहाँ पे ऐसे माउस से सिलेक्ट करते हो, लेकिन हमें माउस से सिलेक्ट करें, नीचा बहुत सारा डाटा होगा, तो इस तरीके के आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। देखो, तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ से मेरे को पूरा जितना है सभी सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल ए कर दोगे तो सभी सिलेक्ट हो जाएगा, या तो आप यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट के साथ और राइट एरो प्रेस कर दो अपने कीबोर्ड में, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो फिर डाउन एरो प्रेस कर दो, तो देखो सभी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है ना। या तो आप सिलेक्ट करना है तो जैसे कि यहाँ से मैं शिफ्ट बटन को प्रेस किया और यहाँ पे राइट एरो को की को प्रेस कर रहा हूँ, देखो पूरा सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं माउस को यूज नहीं कर रहा हूँ, ये माउस यहाँ पे है, ओके, माउस कर्सर यहाँ पे है, और जैसे कि शिफ्ट को प्रेस किया हूँ और फिर से डाउन एरो प्रेस करता हूं, तो देखो ये सिलेक्ट हो रहा है ना। हमें जितना सिलेक्ट करना है वहां तक हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके, तो देखो यहाँ पे ओके। अब जैसे कि हमारे पास क्या है, अब कैसे सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर दूंगा कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके और स्पेस बटन को मैं प्रेस कर दूंगा, तो सभी जितने हमारे डाटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा, देखो नीचे तक जितने हैं उतना तक सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस स्पेस अपने कीबोर्ड में, ओके। अब जैसे कि मेरे को ये कॉलम को ही सिलेक्ट करना है, इसी कॉलम को हमें किसी में नहीं करना है, तो हम इसे माउस से नहीं करेंगे, जैसे यहां से मैं कंट्रोल को प्रेस करूंगा और डाउन एरो प्रेस करूंगा, तो देखो यहां तक आ गया। फिर क्या करूंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा, अगर यहाँ यहाँ इधर भी सिलेक्ट करना है तो फिर से कंट्रोल को प्रेस करते ही यहाँ तक आ जाना है, ये कंट्रोल को छोड़ना नहीं है, अगर कंट्रोल को छोड़ दोगे तो फिर यहाँ से फिर अदर पे सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा, तो है ना। अगर यहाँ से आपको चाहते हो कि हमें एक कॉलम और एड हो जाए, या तो ये कॉलम हम क्या करते हैं इसको डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल प्रेस करके माइनस प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, माइनस प्रेस करके जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाले डिलीट हो गया, मेरे को कितना किया था, यहाँ के सभी सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। अभी कंट्रोल जेड करके इसको अंडू कर देता हूँ, जैसे यहाँ से मैं ये सभी को सिलेक्ट करूंगा, माउस से नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ से माउस को कर्सर को दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये सभी ये कॉलम को डिलीट करना है, तो देखो यहाँ पे यहाँ से मैं इसको माउस कर्सर को यहाँ रखता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो को प्रेस कर दिया। अभी क्या हुआ, यहाँ पे देखो सभी सिलेक्ट हो गया, अभी क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कर देंगे और यहाँ पे इंटर कर देंगे, या तो ओके कर दो, इंटर कर दिया, देखो यहाँ पे ये गायब हो गया यहाँ पे, ओके। फिर से कंट्रोल जेड करके मैं वापस कर देता हूँ और फिर से हमें चाहिए क्या, ये वाले को फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माउस मेरा यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कर दिया, सभी सिलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल के साथ हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्रेस किया तो शिफ्ट सेल राइट नाउ, तो यहाँ पे ओके करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये सेल्स हट गया, देखो ये तो हट गया, ये जितना को मैंने सिलेक्ट किया था उतना ही हट गया, लेकिन यहाँ पे जो नेम है वो नेम यहीं पे रह गया, इसको हमें नहीं गया है ना, तो मेरा जितना डाटा था उसको मैंने कर दिया, ओके। तो इस तरीके के आप कर सकते हो, तो क्योंकि इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है कि मैं इस तरीके के कैसे करूं, मेरे को जल्दी शॉर्टकट्स काम करना है, क्योंकि यहाँ सिलेक्ट कर करके थोड़ा सा वो हो जाता है, टाइम ज्यादा लगता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।